ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से ब्रॉडवे की तरफ से हमने स्टार्ट किया ए टू ई एकेडमी जो आपको आईएलटीएस कोचिंग देगी घर बैठे। सो आपको कहीं ट्रेवल करने की जरूरत नहीं है, टीचर वन टू वन आपके साथ लाइव बैठेंगे, आपके क्वेश्चन डाउट्स कंफ्यूजन और प्लस द ट्रेनिंग वो आपको घर पे प्रोवाइड की जाएगी। इमीडिएटली रजिस्टर्ड करें दिए गए नंबर पे 9216780780। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। लगातार कोशिश इस चैनल के जरिए स्टडी वीज़ा को लेके हर लेटेस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करते रहे। सो ऑस्ट्रेलिया को लेके काफ़ी बच्चे अपडेट जानना चाहते थे कि प्रेजेंटली क्या सिनारियो चल रहा है। तो सिनारियो दोस्तों यही चल रहा है कि सबसे ज़्यादा जो रिफ्यूज़ल्स है वो नॉर्थ इंडिया से देखने को मिल रही हैं, मतलब खासकर पंजाब हरियाणा एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में रिजेक्शन फेस कर रही हैं। ये जो लगातार फेक डॉक्यूमेंटेशन वाली वर्किंग है वो कहीं ना कहीं नुकसान करवा रही है। जो लगातार इस चैनल के ज़रिए मैं गाइड करता रहता हूँ कि गलत डॉक्यूमेंट्स के साथ अपनी फाइल को प्रोसेस कभी भी ना करें। और सेकेंडली इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि इसमें से कई यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्पेशली एडिथ कोवन यूनिवर्सिटी और कुछ और यूनिवर्सिटीज़ भी आने वाले दिनों में पंजाब हरियाणा स्टूडेंट की एप्लीकेशंस लेना बंद कर रही हैं। उनके जो पंजाब हरियाणा के एजेंट्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, उनको भी उनका जो एग्रीमेंट है वो भी सस्पेंड किया जा रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया आने वाले दिनों के लिए अगर पॉसिबल रहेगा तो जेन्युइन स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। पूरी स्क्रूटनी होती है, आप सब जानते हैं वहाँ पर एक जीटीई का प्रोसेस होता है, जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंट, जिसके अंदर आपके बराबर एकेडमिक वेरीफाई होते हैं, आपके फाइनेंशियल्स को कॉलेज यूनिवर्सिटी अलग प्रॉपरली वेरीफाई करते हैं और आपके इंग्लिश एग्ज़ाम्स को वो प्रॉपरली वेरीफाई करते हैं, आपकी फैमिली इनकम्स को प्रॉपरली वेरीफाई करते हैं और उसके बाद ही आप इन यूनिवर्सिटीज़ में फ़ीस भेज पाते हो, उसके बाद ही सीओई मिलती है और फिर ये चीज़ें एम्बेसी के पास भी जाती हैं। तो कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि यूनिवर्सिटी को कुछ और एम्बेसी को कुछ और भेजा जाता है, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हरियाणा में ये सबसे ज़्यादा हो रहा है और डेफिनेटली पंजाब में भी हो रहा है। सो आई एडवाइज ऑल द स्टूडेंट्स हु आर लुकिंग टू गो फॉर ऑस्ट्रेलिया, ये बहुत ज़रूरी है कि अपने डॉक्यूमेंटेशंस को जेन्युइन रखें। अगर आपके फंड्स अभी ओल्ड नहीं हैं, रुक जाएं, नेक्स्ट इनटेक के लिए कर लें, बट सही तरीके से अपनी एप्लीकेशंस को प्रोसीड किया जाए। ऑस्ट्रेलिया वीज़ा दे भी रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिजेक्शन आ रहा है, बट डेफिनेटली बहुत अच्छे अच्छे प्रोफाइल्स भी रिजेक्शंस फेस कर रहे हैं जिन पर कोई ये रिजेक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। सो आई एम जस्ट अवेयरिंग यू फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म कि आप जितने अच्छे से अपनी फाइल को प्रिपेयर करेंगे, जितने सही तरीके के और सही डॉक्यूमेंट्स उसमें होंगे, उतना ही आपके डिसीजंस जो हैं वो फेवर में जाएंगे। सो कनाडा जो कि नंबर वन डेस्टिनेशन है स्टूडेंट्स का, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट वहीं जाना चाहता है, जैसे ही वो 6 ईच के आल्स को टच करता है, एक अच्छा पीटी स्कोर हासिल करता है, एक अच्छे मार्क्स हासिल करता है, तो डेफिनेटली उसका टारगेट कनाडा है। अब कनाडा प्रेजेंटली जिस तरह से ट्रेंडिंग चल रहा है, तो मैं भी वीडियोस बनाता हूँ और भी कई दोस्त बनाते हैं, तो आपको साफ क्लैरिटी दिख रही होगी कि जो वीज़ाज हैं 90% सक्सेस रेट उन्हीं एप्लीकेशंस पे है जो एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग हैं, जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, जो इंग्लिश वाइज स्ट्रॉन्ग हैं। अब ये स्ट्रॉन्ग वर्ड की परिभाषा क्या है? सो एकेडमिक बात करें तो 10+2 स्टूडेंट हैं, 2 साल से ज़्यादा गैप नहीं है, आपके मार्कशीट में D1, D2 जैसी ग्रेडिंग नहीं है, आपके परसेंटेज ओवरऑल 60 एंड ईच सब्जेक्ट प्रेफरेबली 60, आई एम नॉट सेइंग एवरीबडी 60 बट प्रेफरेबली 60 या नियर टू 60 हैं, तो ये एक स्ट्रॉन्ग एकेडमी के प्लस टू वाले का। अगर आप ग्रेजुएट हैं, आपने पिछले 3-5 साल में भी ग्रेजुएशन कर रखी है बट आपके बैकलॉग्स नहीं हैं, अगर है भी तो इक्का दुक्का हैं, मतलब मिनिमम बैकलॉग्स हैं, देन इट्स अ स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल। बट जहाँ ही आपके बैकलॉग्स बढ़ जाते हैं 8, 9, 10, 6, 7, तो ये आपके लिए एक ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं, तो इस चीज़ को अवॉइड करें। अब फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होने की बारी, तो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना मतलब दो चीज़ों का इंपॉर्टेंस होना। नंबर वन, फंड्स दिखाने चाहिए नहीं दिखाने चाहिए, बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है बिकॉज कनाडा की चेकलिस्ट में फंड्स को लेके सिर्फ इतना ही है कि आपको GIC देनी है, 1 ईयर की फीस देनी है, बट उसके बावजूद भी बच्चों को फाइनेंशियल
प्रॉब्लम्स के कारण रिजेक्शन आ रहे हैं, तो ये चीज़ आप कैसे करेक्ट कर सकते हो? इसके सिंपल से फंडे हैं। सबसे पहली चीज़ आपको फैमिली की इनकम दिखानी है, सो दैट वीज़ा ऑफिसर ट्रस्ट यू कि जो आप एजुकेशन आपको यहाँ करने आ रहे हो वो फैमिली आपकी अफोर्ड कर सकती है, दे हैविंग अ रेगुलर इनकम अप टू दैट। सो वो रेगुलर इनकम कितनी होनी चाहिए? वो आपके मदर और फादर की मिला के अराउंड 10 लाख के आसपास होनी चाहिए, 8 हो जाए, 9 हो जाए, 10 हो जाए, बट इसके आसपास होनी चाहिए। और बहुत लोगों को ये रहता है कि जी हमें टैक्स देना पड़ेगा, तो मैं बता दूं कि इंडिया में 5 लाख से नीचे आपको टैक्स अप्लाई नहीं होता। यू हैव टू सी द अकाउंटेंट और उसके हिसाब से अपनी रिटर्न्स को फाइल करें, और इतनी रिटर्न्स बन सकती हैं, पॉसिबल है हर परिवार के लिए, किसी को कोई एक्स्ट्रा पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। ये रिटर्न्स आप दिखा सकते हो। उसके अलावा जो जे फॉर्म्स वगैरह हैं उनकी इतनी वैलिडेशन नहीं है, सो बेटर है रिटर्न्स के ज़रिए ही जाया जाए, या अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आप फॉर्म 16 दिखा सकते हैं। दूसरी तरफ जो फाइनेंशियल का पार्ट है वो है फंड शो करना। तो फंड शो करना कनाडा में हर किसी को ज़रूरी नहीं है, मैं पहले भी आपको ये बताता आ रहा हूँ। जो बच्चे एक साल के कोर्स में जा रहे हैं उन्होंने अपने साल की फ़ीस दे दी है, उन्होंने एक साल की लिविंग कॉस्ट GIC ट्रांसफ़र कर दिया है, उन्होंने अपनी अपनी फैमिली इनकम जो है वो दिखा दी है, तो उन्हें फंड्स के ऊपर 99% कोई चैलेंज नहीं आएगा, सो दे कैन प्रोसीड फॉर दैट। बट अगर आप 10+2 स्टूडेंट हैं, यही सब चीज़ें आपने भी की हैं, तो इट इज़ एडवाइजेबल कि आपका जो कोर्स है वो या तो 2 साल का है या 3 साल का है। अगर डिप्लोमा लिया है 2 साल, ग्रेजुएशन लिया है 3 साल, तो ऐसे केसेस में आई जस्ट एडवाइज यू कि आप इतने फंड ज़रूर दिखाएं कि वो आपकी सेकेंड ईयर की फ़ीस कवर करते हों। तो सेकेंड ईयर की फ़ीस के लिए जो फंड चाहिए वो अलग अलग हैं। यूनिवर्सिटी में जाएंगे वो 10 लाख के आसपास की अमाउंट हो सकती है, कॉलेजेस में वो अमाउंट 8, 9, 7 लाख कुछ भी हो सकता है। सो जो भी आपकी सेकेंड ईयर की फ़ीस बनती है, जो ऑलमोस्ट आपके फर्स्ट ईयर साल के बराबर होती है, उतने फंड ज़रूर दिखा के चलें। सो दिस इज़ हाउ यू कैन मेक योर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग। अब आ गया इंग्लिश वाइज स्ट्रॉन्ग। तो इंग्लिश वाइज IELTS को लेके तो बहुत सिंपल है, यू जस्ट नीड टू हैव अ 6 इन ईच मॉड्यूल एंड यू कैन गेन इट एंड यू डन इट। आपकी फाइल SDSB होगी तो परफेक्ट। उसके बाद जो PT पर बच्चे अटैम्प्ट करते हैं, तो एडवाइस दैम कि अपना स्कोर 54 इन ईच सेक्शन से ऊपर रख कर चलें और ओवरऑल 56 से ऊपर रख कर चलें, तो आप PT में काफ़ी हद तक सेफ रह सकते हैं। PTC की जो क्रेडिबिलिटी है वो डाउटफुल है, लेकिन वो एम्बेसी की तरफ से किसी भी तरह से निगलेक्टेड एग्जाम नहीं है, उसके ऊपर भी रेगुलर वीज़ास देखने को मिलते हैं। जस्ट यू नीड टू मेक श्योर कि आपके पास एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग PT स्कोर है। बाकी आगे भी इस चैनल के जरिए रेगुलर अपडेट्स, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर होती रहेंगी। सब्सक्राइब करके रखें अगर आप स्टडी वीज़ा को लेके कहीं पर भी मिसगाइड नहीं होना चाहते और हर इन्फॉर्मेशन एक ट्रांसपेरेंट तरीके से सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। थैंक यू। ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से, ब्रॉडवे की तरफ से हमने स्टार्ट किया A2E Academy, जो आपको IELTS कोचिंग देगी घर बैठे। सो आपको कहीं ट्रेवल करने की ज़रूरत नहीं है, टीचर 1-to-1 आपके साथ लाइव बैठेंगे, आपके क्वेश्चन, डाउट्स, कन्फ्यूजन और प्लस द ट्रेनिंग वो आपको घर पे प्रोवाइड की जाएगी। इमीडिएटली रजिस्टर्ड करें दिए गए नंबर पे 9216780780। थैंक यू।